आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग नया जीमेल आईडी आप लोग कैसे बना सकते हैं। हम अपने जीमेल को ओपन कर लेंगे। जीमेल को ओपन करने के बाद लोग उसके बाद लोगों को ऊपर क्लिक करेंगे। लोगों के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर लिख रहा है एड अनदर अकाउंट, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एड अनदर अकाउंट के ऊपर हम लोग जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने में यहाँ सबसे ऊपर लिख रहा है गूगल, तो हम लोग गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी हम लोग पासवर्ड डाले रहेंगे कीपैड का, वो भी पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। पासवर्ड डालने में वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए ओपन होने वाला, यहाँ पर लिख रहा है क्रिएट अकाउंट, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है फॉर माई पर्सनल यूज़, तो मैं फॉर माई पर्सनल यूज़ के लिए मैं इसको जीमेल आईडी को बना रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर लिख रहा फॉर वर्क माई बिजनेस, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं पर्सनल यूज़ के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड नेम लिख लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ सीमा, यहाँ पर सेकेंड नाम लिख देता हूँ सिंह। तो इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर इसको नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद इसको उसके बाद नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट हम लोग कर लेंगे, जो भी पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे, तो मैं चौथा मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डे सेलेक्ट कर मैं 13 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ईयर्स सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं 1998 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जेंडर बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए, तो नीचे वाले पे जेंडर पे हम लोग मेल फीमेल कलर में फीमेल कर लेता हूँ। फीमेल के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलेगा कि आप लोग अपना जीमेल आईडी आप लोग अपना मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं कि बिना मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं। मैं अपने बिना मोबाइल नंबर से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कैपिटल में लिख लूँगा। यहाँ पर मैं लिख लूँगा सीमा सिंह, उसके बाद 73 88 या कुछ भी मैं अंक यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फर्स्ट बड़ा अच्छा रहेगा, उसके बाद छोटा कैपिटल रहेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैपिटल लिख लेंगे, उसके बाद सब स्मॉल लिखेंगे। उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ, कुछ अंक डाल लेता हूँ यहाँ पे 5-6। डालने के बाद इसको हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग का देखिए जीमेल आईडी यहाँ से भी बन जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक किया, मैं जीमेल आईडी मेरा बन गया। यहाँ पर बोला पासवर्ड सेट करने के लिए, तो मैं कोई भी यहाँ से पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या कुछ भी डालने के बाद यहाँ पर कैपिटल डाल लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग का जो ईमेल आईडी यहाँ से बन गया है। बनने के बाद यहाँ पर इसको हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि ये जीमेल आईडी हमको भूले ना। उसके बाद इसको नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, जो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हम लोग का देखिए जीमेल आईडी यहाँ से बनकर तैयार हो गया है। बस इस तरह आप लोग भी अपना जीमेल आईडी, नया जीमेल आईडी आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।